Hello students, how are you? I'm your English teacher. As you know, our Shisham school started online classes. Today we have an English reader class. Our new book name is English Improver. Our first chapter is The True Beauty, a poem by Thomas Crewe. He was Cavalier poet. कोलेवियर यूनिवर्सिटी का नाम है जो पोइट्स की यूनिवर्सिटी है एंड आवर पोइट थॉमस क्रू इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी मोर यू रीड अबाउट इन योर बुक्स थॉमस क्रू वॉज बॉर्न इन 1950 एंड डाइड इन 1639 ही राइट्स मैनी पोएम्स दिस इज हिज फेमस पोएम द ट्रू ब्यूटी ही दैट लव्स अ रोजी चिक्स और ए क्रॉल लिप्स एडमायर्स वो था जो प्यार करता था गुलाबी गालों से एंड क्रॉल लिप्स क्रॉल होता है आपका एक तरीके का ना तो रेड होता है ना पिंक होता है वैसे होठ जिनकी हम प्रशंसा करते हैं जो ये पोएम है ट्रू ब्यूटी ये आपकी इनर ब्यूटी को दिखाती है ना कि आपकी आउटर ब्यूटी आउटर ब्यूटी में जैसे आप भाई बहुत सुंदर हो गोरे गोरे गाल हैं रेड रेड लिप्स हैं दैट इज़ वाज योर फिजिकल ब्यूटी ये फिजिकल ब्यूटी की बजाय आपकी इनसाइड इंटरनल ब्यूटी को दिखाती है जो एक आत्मा से होती है So, in this poem, poet talk about the true beauty. And poet ki nazar mein true beauty hai, wo jo internal beauty hai. Na ki aapki physical ya outer beauty. He that loves a rosy cheeks or a crawl lips admire. Or from stars like eyes dot sick. Full to maintain his fires. As old Time makes these decay, so his fames must waste away. In this para, he that loves a rosy cheeks, wo hai jo gulabi galon se, or a cruel lips admires, or gulabi hoton se, hoton ki prashansa karta hai, or form star-like eyes, जो तारों की तरह आंखें चमकना ये सारा फिजिकल ब्यूटी जैसे हम कहते हैं ना भाई गुलाबी गाल हैं लाल होठ हैं आंखें तारों की तरह चमक रही हैं फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स फ्यूल होता है ईंधन जो मेंटेन हिज फायर्स यानी कि जो एक ब्यूटी के लिए ज़रूरी होती हैं ब्यूटी में क्या ज़रूरी होता है कि भाई आपका फेयर कलर है आपकी आइज़ हैं वो तारों जैसी हैं होठ हैं क्रोल लिप्स हैं उन सब को ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए ये फायर फ्यूल का काम करती है इस आग को इस फायर को जलाने के लिए एज ओल्ड टाइम्स मेक दे डिकेयर्स लेकिन जैसे जैसे टाइम आता है ये चीज़ें अपने आप नष्ट होती चलती हैं अब जब भाई एक मिनट बच्चा जब छोटा होता है तो क्यूट होता है फिर बड़ा होकर ब्यूटीफुल हो जाती है गर्ल्स बॉयज़ हैंडसम हो जाते हैं उसके बाद टाइम बीइंग एक टाइम ऐसा भी आता है आफ्टर 40-60s कि हम डाउन होना शुरू कर देते हैं सो हिज फेम मस्ट वेस्ट अवे तो जो आग जो मतलब ये चीजें जो जलाई गई थी उसको ब्यूटी को अच्छा रखने के लिए वो सब वेस्ट हो जाती हैं बट अ स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड लेकिन एक समथल और एक दृढ़ दिमाग जेंटल थॉट्स गुड आइडियाज एंड क्लीन डिजायर्स अच्छी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती अगर एक इंसान मन से अच्छा है चाहे वो तन से कैसा ही काला हो लेकिन अगर वो अच्छे काम करता है सबके लिए अच्छा है उसके अच्छे आइडियाज़ हैं जेंटल आइडियाज़ जेंटल थॉट्स का मतलब होता है गुड आइडियाज़ एंड क्लेम डिज़ायर्स उसकी क्लेम होता है आपका इसमें जो क्लेम है वो एक शेल फिश होती है जिसे खाया भी जाता है उसकी डिज़ायर्स उसकी उसको खाने की इच्छा होती है जैसे उन सबको अगर वो सब है आपके अंदर तो आपके लिए अच्छा है और आप सुंदर हो हार्ट्स विद इक्वल लंग लव कंबाइंस अगर दिल है और उसमें सबके लिए इक्वल प्यार है काइंडली नेवर डाइंग फायर्स तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा जलेगा नहीं वेयर दीज आर नॉट आई डिसअपियर लव चिक्स लवली चिक्स और लिप्स और आइज फिर वहाँ पर बेशक आपके अच्छे होठ अच्छे गाल अच्छी आइज हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका दिल अच्छा है आप अंदर से अच्छे हो और सबके लिए अच्छा सोचते हो तो आप अच्छे हो दैट इज़ योर पोएम रीड दिस पोएम केयरफुली Underline the difficult words. In next class, you ask me about the word meanings and I will do some exercise for you. Till that, have a nice day.